कैसे हैं आप? कल मैंने जो वीडियो डाला था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कल मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट, आज उसी का आगे पढ़ा रही हूँ, जो गृह व्यवस्था के मूल प्रेरक फंडामेंटल मोटिव ऑफ होम मैनेजमेंट, इसके चार स्टेप्स हैं। नंबर एक जीवन दर्शन, नंबर दो मूल्य, नंबर तीन लक्ष्य, नंबर चार स्तर। जीवन दर्शन प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ जीवन दर्शन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ जीवन दर्शन होते हैं। जीवन दर्शन का पारिवारिक जीवन में अत्यंत महत्व है। कुछ लोग दैनिक अनुभवों पर जीवन दर्शन का विकास करते हैं। जीवन दर्शन का निर्धारण मुख्यतः पति पत्नी का अपना जन्मजात स्वभाव, जीवन का अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, आदतें, शारीरिक एवं सामाजिक आनुवंशिकता, करती है। योजना, विचार, भावनाओं एवं अनुभवों की सार्थकता का बोध जीवन दर्शन से होता है। परिवार की रुचियां, पारिवारिक वातावरण का निर्धारण, परिवार के मानवीय संबंधों की प्रकृति, जीवन के व्यवसाय का चयन जीवन दर्शन से ही प्रभावित होते हैं। पारिवारिक जीवन का लक्ष्य परिवार के लक्ष्यों से प्राप्त होता है। विभिन्न क्रियाओं में प्राप्त होते हैं। इन क्रियाओं में मनोरंजनात्मक, विद्यालयी, धार्मिक, व्यवसायिक आदि क्रियाएं सम्मिलित होते हैं। व्यक्ति के विकास के साथ अनुभव भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाइए मूल्य। मूल्य में क्या है? मूल्य से लक्ष्य एवं स्तर की उत्पत्ति होती है। मूल्य शब्द अनिश्चित एवं आत्मगत है। समस्त मूल्य मानवीय होते हैं और व्यक्ति ही उनका सृजन करता है, उसका मूल्यांकन करता है और उसका उपयोग करता है। व्यक्ति अपने मूल्य का सदैव महत्व देता है, क्योंकि वह उसके साथ उपयुक्त एवं संतोषप्रद होता है। मूल्य दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और साधनात्मक। मूल्य दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और साधनात्मक। आज बस इतना ही। अगले क्लास में लक्ष्य स्तर के बारे में चर्चा करूंगी। ओके, बाय।